नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चल रहे पाकिस्तान की ओर। हमेशा भारत पर पीछे से वार करने वाला पाकिस्तान अब हमसे शांति चाहता है। शांति एक या दो साल की नहीं बल्कि 100 सालों के लिए। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत पाकिस्तान भारत सहित अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। इसमें कहा गया है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना भी नई दिल्ली के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, बशर्ते द्विपक्षीय वार्ता में प्रगति हो। यह पूरी पॉलिसी तो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा 14 जनवरी शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान जारी करेंगे। इस पॉलिसी में कहा गया है कि भारत के साथ अमन बहाली की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारत में वर्तमान मोदी सरकार के रहते अमन बहाली हो पाएगी, इसको लेकर सवालिया निशान भी लगाए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बीते मंगलवार को बताया कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नज़दीकी पड़ोसियों के साथ शांति और आर्थिक कूटनीति पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्रीय विषय होगा। 2022 से 2026 के बीच की अवधि को कवर करने वाला 5 साल का नीति दस्तावेज पाकिस्तान सरकार द्वारा देश की अपनी तरह का पहला रणनीति पत्र के रूप में तैयार किया गया दस्तावेज है, जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और दिशा निर्देशों को बताया है। अधिकारी के हवाले से अखबार ने कहा कि 100 पृष्ठों के इस दस्तावेज को गुप्त रखा जाएगा, जिसमें लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बिना भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक संबंधों के लिए दरवाजा खुला छोड़ा जाएगा, बशर्ते दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच बातचीत में प्रगति हो। हालांकि दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ने के लिए पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और सियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कश्मीर हमारे लिए अहम मुद्दा था और बना रहेगा, लेकिन इसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में मोदी सरकार के रहते ये मुश्किल है। अगस्त 2019 को भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की प्रतिक्रिया में राजनीतिक संबंधों को कमजोर कर दिया था और भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत लगभग ठप है। तो दोस्तों, इस तरह की कूटनीति पाकिस्तान ने शुरू की है, इस पर आपके क्या कमेंट्स होंगे हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।